सबसे फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट वैल्यू एनीवन मोर देन योरसेल्फ, मतलब किसी की भी वैल्यू खुद से ज्यादा मत करो। भाई ये इंसान का नेचर है, मैं हूँ, आप हो या कोई और है, अगर कोई इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगता है ना तो वो आपको मूर्ख समझने लगता है। और अक्सर हम ऐसा करते हैं कि सामने वाले को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं जो कि बहुत ही गलत है। वैल्यू दो बट एक लिमिट में। अगर कोई इंसान सामने से आपका ले रहा है मजे तो उसको उसी वक्त रोको, रुक बे, क्या समझता है तेरा बाप हूँ मैं। भाई खुद के जिंदगी में खुद के दम पर जीना है। किसी को अगर तुम वैल्यू देते हो तो उसे तुम सबसे बड़ा बेवकूफ लगने लगते हो, वो तुम्हारी वैल्यू करना बंद कर देता है, तुम्हें वो रद्दी के भाव समझने लगता है, उसे लगने लगता है कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। तुम उसकी वैल्यू करना बंद कर दो, फिर उसको तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी। इज्जत सबको चाहिए होता है, इज्जत दो। इज्जत देने से लोग अपने बन जाते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद की इज्जत सबसे बड़ी है। तो किसी को इतना भी महंगा मत बना देना कि वो तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगे। और अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है जो तुम्हें रद्दी के भाव समझता है तो उसे तुम जो इज्जत दे रहे हो फौरन छीन लो, वो आपकी इज्जत डिजर्व नहीं करता। छीन के देखो एक बार, फिर बताना क्या होता है। उसको अपनी औकात ना पता चल जाए ना, फिर बोलना मेरे भाई जलो वहाँ जहाँ तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि मेरे भाई उजालों में चिराग के कोई मायने नहीं होते। दिमाग लगाओ, समझ जाओगे। सेकंड नंबर पॉइंट है डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट ही मत करो। भाई हमारे जिंदगी में बहुत सारा ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि मुझे किसी की मदद चाहिए, और मेरे भाई यही वो टाइम होता है जब सारे अपने पराए हो जाते हैं। छोटा से छोटा काम हो गया कोई भी आपके लिए नहीं करेगा। अगर अपने जिंदगी में आपने किसी से एक्सपेक्ट किया है कि वो आपके लिए ये करेगा, कुछ भी आपने सोचा है कि ये मेरे लिए सब कुछ कर देगा, मेरे भाई सब गलत है। आज मैं आपको एक जिंदगी का कड़वा सच बता दूं कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अपने पैर पर ही चलना है। और मेरे भाई जब चलना है अपने पैरों से तो उम्मीद क्या रखना गैरों से। अगर आप पे गोली चलती है तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी जय जयकारा होती है तो आपसे जलने वाले हजारों आ जाएंगे। जब दिल टूटे ना तो ये बोलना कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। जिंदगी अपने दम पर जियो, देखना दुनिया सलाम ठोकेगी। किसी से एक्सपेक्ट ही मत करो साला, क्योंकि दिल टूट जाता है। अब अगर आप ये सोचते हो कि मैं अकेले क्या उखाड़ लूंगा, तो आपके साथ अगर 50 भी हो तो आप क्या ही उखाड़ पाओगे, क्योंकि जिसको खुद पे विश्वास ना हो वो क्या ही उखाड़ सकता है। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। थर्ड नंबर पॉइंट है अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करते रहो। भाई दुनिया को अगर औकात दिखानी है ना तो हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करो। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, कोई तुम्हें रिजेक्ट करती है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि तुम कमजोर हो। जिसके पास ताकत होती है ना दुनिया उसकी इज्जत करती है। ताकत कैसा भी हो सकता है, पैसे का, शरीर का, बॉडी का, नॉलेज का। अगर आप चाहते हो दुनिया आपके सामने घुटने टेके लाइक, ऐसा नहीं कि बाहुबली की तरह सब आपके सामने खड़े हो जाएगा, बाहुबली पिक्चर में जैसे आपने देखा होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं। मेरा मतलब है आपको माने, मतलब आपको समझे कि हाँ यार ये बंदा है, कुछ है, औकात है इसका। तो आपको हर दिन कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है अपने अंदर, खास करके पैसों में। भाई पैसा जिसके पास है ना, इज्जत शोहरत और जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे नहीं मिल सकता। तो कमाओ, कमाते रहो, और तब तक कमाते रहो जब तक तुम्हें महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे। देखना लोग कैसे सलाम ठोकते हैं।